हेलो हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अभी बाकी हम आए थे पार्क में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात। वो टॉपिक क्या है चलो मैं बताता हूँ गाइस। बहुत से मेरे छोटे भाई या बड़े भाइयों के मन में रहता है कि हम पहले फर्स्ट व्लॉग में क्या बोले, तो भाई उसके बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हमने फर्स्ट व्लॉग करा था ना, मतलब जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी, तो हम पे भाई बहुत देर होनी थी। वो कम से कम उस वीडियो को तीन चार गाइस 2 मिनट की वीडियो थी और 2 घंटे लगे थे बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बोलने में थोड़ा बहुत होता है यार, कैमरे के आगे हर एक इंसान बोला नहीं जाता, तो इसलिए थोड़ा शुरू शुरू में वही होता है, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। और बाकी फर्स्ट व्लॉग में क्या बोले वो बताएंगे आकाश भाई। भाई कुछ भी बोल दो, देखो सुनो, पहली बात तो ये है शर्माना नहीं है बोलू कैमरे के आगे, और दूसरी बात क्या है अपने बोलने में कॉन्फिडेंस रखना है, और तीसरी बात ये नज़र से नज़र मिला के कैमरे से बात करना है, मतलब ऑडियंस को लगे, मतलब हमारे सब्सक्राइबर को भाइयों को लगे जैसे कि हम उनसे ही बात कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। और बाकी गुरु भाई को की बोल ले शुरू में, तो गुरु भाई को पे भी नहीं बोला जा रहा। हाँ भाई ऐसे होता है यार, सबके साथ ही होता है भाई शुरू शुरू में। देखो कोई भी चीज़ हो ना, तो वो धीरे धीरे आती है, गैल नहीं आती भाई। ठीक है, और यही भाई सबसे मेन चीज़ जो है भाई, शरम बरम सब दूर कर दो। अगर ब्लॉगिंग करनी हो तो भाई, अगर पब्लिक को देखोगे ना, तो भाई पब्लिक को देखते रह जाओगे, तो अपने काम पे ध्यान दो। देखो पब्लिक अपना काम कर रही है, वो हमें देख रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो गाइस अभी पता क्या हुआ भाई, हमारे कैमरामैन को थोड़ी शर्म आ गई थी भाई अभी, पता क्यों? तो लड़की आ रही थी, तो हमारे कैमरामैन ने भाई कैमरे बंद कर दिया यार। ये चीज़ तो दूर करनी है। मैं इससे बोल रहा था भाई, तूने कैमरा को बंद करा, बताइए भाई क्या कहने, यही बताएगा इसी बताएगा तुम्हें, पता शर्म लग रही यार। ये चीज़ दूर करनी है, शर्म बरम कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, है ना कहावत भाई? सही कहावत है बिल्कुल। और देखो फर्स्ट लोग मत क्या बोलना है, ठीक है, मतलब कुछ भी यार, जैसे कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, कोई नई जगह पर जाना है फर्स्ट लोग में ना, तो अपने घर पे बना सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है ना, थंबनेल पे ध्यान दो। ठीक है, थंबनेल और टाइटल मेन चीज़ है, सिंपल दिखोगे ना तो भाई वो तो सबसे बढ़िया ही है यार। तो चलो भाई आज के लिए, मतलब मैंने आपको बता दिया जो मेन चीज़ थी, और अभी चलते हैं अपने घर की तरफ को। अभी पार्क में आए थे हम, थोड़ी देर घूम घूम चाय पीएंगे भाई, और भाइयों से बात भी कर ली अपने तुमसे, और अभी पियेंगे चाय और फिर चलेंगे अपने घर, और वहाँ की जो भी एक्टिविटी होगी ना दिखाएंगे आपको। ठीक भाई है, आप कह रहे हो सिंपल दिखते हैं ना, हम भी तो सिंपल, तो भाई देखो हम भी सिंपल ही रहते हैं यार, देखा भी होगा भाई, देख रखा सब। ठीक है, तो अभी चलते फिर यहाँ से। तो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं अपने अड्डे पर, मेरे अड्डे पर, और बाकी ये मेरा अड्डा ना जस्ट पार्क के बराबर में, देखो ये रहा पार्क सामने, और ये रहा अपना अड्डा भाई। सही है भाई, है ना, पहले पार्क घूमो फिर आराम से अपना चाय वाय पियो भाई, इसमें सोच रहे होंगे डेली दिखाते रहे हैं। हाँ यार कोई बात ना भाई, हमारे पास अच्छी लगा यार भाई, चाय की बढ़िया लगा यार, और लड्डू चाय वाले की बढ़िया चाय ही वैसे तो बहुत बढ़िया। तो अपना ऑर्डर दे दिया? दे दिया। क्या? दो चॉकलेट चाय। लोकेशन एक नंबर है गाइस यहाँ की। अभी ना गाइस हमने अपना ऑर्डर तो दे दिया, और बाकी यहाँ बैठने का मजा अलग है यार, गाने वाने बज रहे हैं अपना मस्त, तो अपना ऑर्डर भी आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अपना ऑर्डर ही क्या, दो चाय है बस, और क्या। तो चलो भाई करते हैं अपनी चाय आने का वेट, और फिर पीते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ को। ठीक है अगर डन, सबसे अच्छी चीज़ देखो दो चीज़ रखी हैं, बुक और चेस। ठीक है, और ये चुका है अपना ऑर्डर, अपनी चाय भाई। चलो तो अभी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको चाय पीने के बाद में। सभी ने अपनी चाय वाय तो पी ली मस्त, और अभी आ चुके हैं हम जहाँ पे हमने अपनी वो खरीद करी थी ना स्कूटी पार्किंग में, और अभी निकालते हैं स्कूटी और फिर चलते हैं अपनी घर की तरफ को। ठीक है, घर चलना है और चलना, बिरयानी खाएंगे यार। तो भाई तो खाने का ना भाई, इस बंदे की यार बिरयानी कभी खत्म नहीं होती भाई, चाय के साथ बिरयानी जरूर खावे यार, क्या चक्कर रहे हो यार, मन कर रहा यार आ जाओ भाई, बिरयानी बिरयानी यार, मोटे होने का राज दे लो बिरयानी, कितना मोटा हो रहा बिरयानी खा यार, गुरु भाई यार ऐसे मत कह यार। चलो भाई कोई बात ना यार, खा लेगा, चले फिर। तो चलो भाई फिर चलते हैं। ये हमारे ताऊ बिरयानी वाले, ताऊ बिरयानी बनाना सिखाओ आज। चलो आज फूड ब्लॉगिंग करते हैं थोड़ी। तो ये नहीं करे ताऊ ने चावल, गर्मा गर्म चावल कर देगा ताऊ है। ले चावल है। क्या राज है भाई डेली बिरयानी खाने का, वो भी चाय के बाद? भाई तुम्हारे साथ भी खाऊंगा। ताऊ एक ही है बस, मैं ना खाऊं यू ही खाएगा बस ना भाई, मैं ना खा रहा यार, खा लो यार ना भैया। तो ये डाले ताऊ ने प्याज, लगवा लो 10 की तुम भी यार, ना भैया मैं ना खा रहा, तुम ही खाओ। ताऊ उनको लगा दियो भाई, धुआं कितना मस्त आ रहा है यार, मज़ा आ गया यार गर्मी में, ठंड में मज़ा आ गया बिरयानी खाने के बाद। सोयाबीन की लगा देना 10 की ताऊ, ना भैया मैं ना खाने का, भैया कितनी बार कहूँ, खा लियो यार, जबरदस्ती करे जा रहा बंदा, देखना भाई जबरदस्ती करे जा रहा यार भाई, देखना भी खाएंगे थोड़ी देर पीछे, और मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, देखना
रही बात यार, तो ताऊ छटने है ना भाई, बहुत मस्त लगे यार ये वाली गजब एकदम। ताऊ कहाँ से आओ तुम बिरयानी वाली? लज्जापुरी से। तो ताऊ हमारी लज्जापुरी से हमें भाई, जहाँ पे मेरा लगे है। चलो भाई फाइनली मिल चुके भाई को बिरयानी। ना भाई खाओ खाओ खाओ, ठीक है। तो एक चम्मच मत दे देना अभी इसने। तो इस बंदे को देख लो भाई, डेली मेरे अड्डे आता है, मेरे अड्डे आने के बाद में बिरयानी जरूर खाता है यार, पता नहीं क्या राज है इसका। चलो भाई कोई दिक्कत ना, खाने दो भाई को, फिर चलेंगे अपना। हाँ भाई लग रहा अकेला अकेला। हाँ भाई भाई ना देख भी ना रहा, भाई देख भी ना रहा है, लग रहा अकेला अकेला है। अब खा यार, क्या आज बिरयानी करा दिया पता सही? कितने की बिरयानी खाया डेली? जाओ हम बिरयानी ना खा सकते हम? बोल अब तू, कितने की है ये? 20 की है। 20 की? जाओ 20 की है, 25। तो भाई ताऊ ने तो बट्टा बिठा दिया यार, सोचे 20 की होगी पर ताऊ ने तो 20 रुपये, हमने सोचे भाई 20 की होगी पर ताऊ ने लगा दी 25 की बिना पूछे वो भी। फिलहाल मैं आ चुका हूँ घर, और बाकी आकाश को छोड़ दिया उसके घर रस्ते में से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो नोटिफिकेशन के साथ।